हेलो दोस्तों, वेलकम टू द मूवी डायरीज। न्यू ऑरलियंस 1988। फिल्म की शुरुआत में हमें एक शख्स दिखाया जाता है जिसका नाम रॉय है। वो एक हॉस्पिटल में बैठा है। डॉक्टर उसे बता रहा है कि तुम्हारी एक्सरे रिपोर्ट आई है और ज्यादा शराब और सिगरेट पीने की वजह से तुम्हारे लंग्स खराब हो गए हैं, तुम्हें लंग्स कैंसर है। तभी रॉय वहाँ से उठ के चला जाता है। डॉक्टर उसे रोकता है, फिर भी वो नहीं रुकता। फिर वो अपनी कार में जाके बैठता है और ड्राइव करने लगता है। रॉय पेशे से एक हिटमैन है। रॉय शराब पी रहा होता है, तभी वहाँ रॉय का बॉस स्टैन आ जाता है। स्टैन रॉय से कहता है, आज तुम्हें और एंजेलो को रात में फ्रैंक के घर जाना है, वहाँ कुछ डील की बात करनी है। और कहता है, कोई गन्स मत कैरी करना क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वहाँ कोई गोलीबारी हो। रॉय को ये बात पता चल जाती है, रॉय का बॉस स्टैन उसे डबल क्रॉस करने वाला है और फ्रैंक के घर उसके लिए जाल बिछाया गया है। रॉय अब बीमार है और स्टैन को उसकी कोई जरूरत नहीं है। आगे हम देखते हैं, रॉय अपने दोस्त एंजेलो को लेकर फ्रैंक के घर पहुंच जाता है और रॉय का शक सही निकलता है। वहां पहले से ही रॉय का इंतजार हो रहा है। फ्रैंक एंजेलो को जान से मार देता है और रॉय फिर फ्रैंक को गोली मार देता है। रॉय देखता है फ्रैंक के घर में एक लड़की चेयर से बंधी है। उस लड़की का नाम रॉकी होता है। रॉकी एक एस्कॉर्ट सर्विस के लिए काम करती है। रॉय उसको छुड़ाकर अपने साथ उसे अपने घर लेके चला जाता है। रॉय रॉकी को एक शर्ट देता है और उसे वहीं रुकने के लिए कहता है। रॉय गाड़ी का नंबर प्लेट बदल रहा है। फिर वो रॉकी को अपने साथ लेकर ड्राइव पे निकल जाता है। रॉकी उससे पूछती है, कौन थे वो लोग जो तुम्हें मारना चाहते थे? रॉय बताता है, वो एक सेटअप था मुझे मारने के लिए। रॉय पूछता है, तुम वहाँ क्या कर रही थी? वो बताती है, टेक्सास से एक लड़की है जिसका नाम वोंडा है, उसने मुझे भेजा था। वो कह रही थी वो खुद के लिए काम करती है, पर मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं थी कि यहाँ ये सब होता है। और रॉकी ये बताते बताते रोने लगती है। रॉय पूछता है, क्या तुम किसी स्टैन नाम के आदमी को जानती हो जो ये सब कारोबार चलाता है? यहाँ रॉय अपने बॉस स्टैन की बात कर रहा है। रॉकी उससे कहती है, मैंने नाम सुना है शायद, पर मैं जानती नहीं। रॉकी उससे पूछती है, कौन है ये स्टैन? रॉय बताता है, जिसने आज रात मुझे मारने की कोशिश की। रॉकी कहती है, तुमने उन्हें मार के बहुत अच्छा किया क्योंकि वो मुझे जान से मारने वाले थे। आगे हम देखते हैं, रॉय और रॉकी एक बार में ड्रिंक कर रहे होते हैं। रॉकी कहती है, मैं आगे का सफर तुम्हारे साथ करना चाहती हूँ। रॉय कहता है, मैं तुम्हें ऑरेंज टेक्सास छोड़ दूंगा, फिर तुम अपने फैमिली के पास चली जाना। रॉकी कहती है, मैं अपने घर नहीं जाना चाहती, तुम मुझे यहीं छोड़ के जा सकते हो। रॉय पूछता है, तुम्हारे पास कितने पैसे हैं? रॉकी कहती है, एक भी नहीं। रॉकी कहती है, फिक्र मत करो, मुझे तुम्हारा एक भी पैसा नहीं चाहिए। न्यू ऑरलियंस में मेरे घर पे मेरा खुद का पैसा है। रॉकी कहती है, तुमने मुझे किडनैप किया है और यहाँ तक कि मैं तुम्हारा नाम भी नहीं जानती। रॉय कहता है, मैंने तुम्हारी जान बचाई है, इस बात को ध्यान में रख लो, और मेरा नाम रॉय है। फिर रॉय और रॉकी गाड़ी में जाकर बैठ जाते हैं। रॉकी कहती है, तुम बहुत कुछ कर सकते हो मेरे साथ और मैं कुछ चार्ज भी नहीं करूंगी तुमसे। रॉय उससे धक्का देके हटा देता है और कहता है, तुम बहुत बेहुदा हो। आगे हम देखते हैं, रॉय और रॉकी रात एक होटल में रुके हैं। हम देखते हैं रॉकी वॉशरूम में है और वो रो रही है। सुबह हम देखते हैं रॉय कुछ पेपर चेक कर रहा है। तभी रॉकी पूछती है, क्या है ये? रॉय बताता है, कुछ ओल्ड शिपिंग कंपनी रिकॉर्ड्स हैं जो कल रात मैंने उस घर से उठाया था। स्टैन को शायद इसी पेपर की तलाश है। तुम रेडी हो जाओ, जाओ हमें निकलना है। रॉकी कहती है, मैं कपड़े पहन रही हूँ, तुम फिक्र मत करो, मैं कल रात जैसा कुछ कोशिश नहीं करूँगी। रॉय उसकी बातें सुनकर गुस्सा हो जाता है और वो कहता है, मैं तुम्हें यहीं छोड़कर जा रहा हूँ। फिर रॉय की तबीयत बिगड़ने लगती है और रॉकी देखती है रॉय के मुंह से खून आ रहा है। रॉकी रॉय को पानी लाकर देती है। आगे हम देखते हैं रॉकी और रॉय कार में है। रॉकी कहती है, कार को ऑरेंज में रोक देना, मुझे किसी से पैसे लेने हैं। रॉय गाड़ी रोकता है और देखता है सामने एक 4 साल की लड़की खड़ी है और घर में से एक गन शॉट सुनाई देता है और रॉकी भागती हुई आ रही है। रॉकी उस बच्ची को गोद में उठाती है और कार में आकर बैठ जाती है और रॉय को गाड़ी भगाने के लिए कहती है। रॉय उससे पूछता है, कौन है ये? रॉकी बताती है, ये मेरी सिस्टर है। रॉय कहता है, गोली किस पे चली? रॉकी ने कहा, मैंने अपने स्टेप डैड पे चलाया था। रॉय कहता है, लेकिन ये किडनैपिंग है। रॉकी कहती है, आज से इसकी देखभाल मैं करूंगी। आगे हम देखते हैं रॉय और रॉकी एक होटल में रुके हैं।
रात का वक्त है। रॉकी रॉय से पूछती है, तुम्हारी उम्र कितनी है? रॉय बताता है, 40 साल। रॉकी बताती है, मैं 19 की हूँ। रॉकी कहती है, तुम हमें यहीं छोड़कर जाना चाहते हो तो कोई बात नहीं। रॉय कहता है, जाकर सो जाओ, इसके बारे में हम कल सुबह बात करेंगे। हम आगे देखते हैं, रॉय और रॉकी बीच पर हैं। रॉकी अपनी छोटी सिस्टर के साथ काफी इंजॉय कर रही है। रॉकी रॉय का धन्यवाद करती है कि रॉय ने उन्हें अपने साथ रखा। फिर वो बीच से चले जाते हैं। दूसरे दिन रॉय न्यूज़पेपर पढ़ रहा होता है, तभी देखता है कि रॉकी के स्टेप डैड को गोली लगने से उसकी मौत हो गई है, और रॉकी ने झूठ बोला था कि टिफनी उसकी बहन है। टिफनी रॉकी की बेटी होती है। रॉय ये देखने के बाद गाड़ी निकाल के होटल से चला जाता है। हम देखते हैं, रॉय अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड से मिलने गया है। उसको रॉय बताता है कि कुछ दिनों में वो कैंसर से मरने वाला है। वो कहती है, सबको एक दिन मरना ही है। बहुत पहले उसने रॉय को छोड़ दिया था क्योंकि रॉय शराब का आदी हो चुका था। यहाँ हम देखते हैं, रॉय के जाने से रॉकी काफ़ी दुखी है और वो रो रही है। रॉकी होटल की रिसेप्शनिस्ट से कहती है कि मेरी बहन पे नज़र रखना, मैं आज काम से बाहर जा रही हूँ, रात तक आ जाऊँगी। हम देखते हैं, रॉय वापस होटल आ गया है। रिसेप्शनिस्ट से पूछता है, रॉकी कहाँ है? वो बताती है, वो काम से बाहर गई है, रात तक आ जाएगी। रॉय उसे ढूंढने के लिए बाहर चला जाता है, पर वो कहीं नहीं दिखती। रॉय वापस होटल आ जाता है। रात में रॉकी होटल आ जाती है। रॉय उसका गला पकड़ लेता है। रॉय उसे कहता है, तुमने मेरे जाते ही फिर से वही गलत काम शुरू कर दिया। रॉकी जोर जोर से रोने लगती है। रॉय की तबीयत फिर बिगड़ने लगती है। रॉकी डॉक्टर को बुलाने के लिए कहती है, पर रॉय मना कर देता है। रॉय पूछता है, ऑरेंज में उस दिन क्या हुआ था? तुमने अपने स्टेप डैड को क्यों मारा? और वो तुम्हारी बहन भी नहीं है, मुझे पता है। रॉकी रोने लगती है। वह रॉय को बताती है, वो मेरी बहन नहीं है। एक दिन जब मॉम घर पे नहीं थी तो ग्रे मेरे कमरे में आया और वो विस्की पी रहा था, तभी उसने मुझे सेक्सुअली अब्यूज किया, और टिफनी मेरी बेटी है। रॉकी ये बताकर रोने लगती है। आगे हम देखते हैं, रॉय स्टैन को कॉल कर रहा है। रॉय स्टैन से कहता है, कार्गो मैनिफेस्ट के पेपर मेरे पास है और तुम्हारा नाम इस पर हर जगह पर है। रॉय कहता है, मुझे $75,000 चाहिए, वरना मैं सारी कॉपी पब्लिश कर दूंगा। हम देखते हैं, रॉय और रॉकी एक रेस्टोरेंट में बैठे हैं। रॉय कहता है, मैं सोच रहा था मैं आज शाम तुम्हें डिनर पे ले जाऊं। ये सुनकर रॉकी खुश हो जाती है। रॉय कहता है, आज शाम 5 बजे रेडी रहना। हम देखते हैं, शाम को दोनों लेक के पास हैं। रॉय कहता है, मैं तुम दोनों के लिए कुछ पैसों का इंतज़ाम कर रहा हूँ, उन पैसों से तुम अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत कर सकते हो। तुम एक हाई स्कूल डिग्री टेस्ट देके कहीं अच्छी जगह जॉब पे लग सकती हो। दोनों बार में जाते हैं, ड्रिंक करते हैं और डांस भी। हम देखते हैं, दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं, तभी हम देखते हैं स्टैन के आदमी वहाँ आ जाते हैं और उन्हें किडनैप करके लेके चले जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं, रॉय चेयर से बंधा हुआ है और उसे काफ़ी मारा गया है, तभी वहाँ स्टैन की गर्लफ्रेंड आ जाती है और रॉय को छुड़ा देती है और कहती है, वो लोग फिर आते होंगे, तुम यहाँ से चले जाओ। रॉय दूसरे कमरे में देखता है, रॉकी बिना कपड़ों के टेबल पर है। रॉकी के साथ गैंग रेप हुआ था। रॉकी के शरीर पे काफ़ी चोट के निशान होते हैं और रॉकी को बुरी तरह से पीटा गया था जिससे उसकी मौत हो गई है। रॉय ये सब देख के रोने लगता है। रॉय पर्दे को फाड़ के रॉकी की लाश को ढक लेता है। रॉय वहां से निकालकर हॉस्पिटल चला जाता है इलाज करवाने। हॉस्पिटल में डॉक्टर रॉय से कहती है कि तुम्हारी ट्रीटमेंट हो सकती है और तुम्हें पैसे देने की भी जरूरत नहीं है, इसका पूरा खर्चा स्टेट देगी। हम देखते हैं, रॉय जेल में सजा काट रहा है। उसके बाद से हमें 20 साल के बाद का वक्त दिखाया जाता है। हम देखते हैं, रॉय बूढ़ा हो गया है और वो एक सिंपल लाइफ जी रहा है। तभी दरवाजे पे एक दस्तक होती है। रॉय दरवाजा खोलता है। दरवाजे पे एक लड़की होती है जो कहती है, मैं रॉय को ढूंढ रही हूँ। रॉय उसे अंदर आने के लिए कहता है। वो टिफनी थी, रॉकी की बेटी। रॉय ने पूछा, तुमने मुझे कैसे ढूंढा? टिफनी ने कहा, मुझे होटल की उस लेडी ने तुम्हारा नाम बताया। टिफनी रॉय को एक फोटोग्राफ देती है जिसमें तीनों होते हैं। टिफनी पूछती है, मेरी सिस्टर मुझे क्यों अकेला छोड़कर चली गई थी? रॉय कहता है, वो तुम्हारी माँ थी। टिफनी रोने लगती है। रॉय कहता है, उसने तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ा, उसका एक्सीडेंट हो गया था इसीलिए वो तुम्हारे पास नहीं आ पाई। रॉय भी इमोशनल हो जाता है रॉकी को याद करके। फिल्म के अंत में हम देखते हैं, रॉय तूफान में बीच पर निकल जाता है और उसकी इमेजिनेशन में वही रॉकी का हंसता चेहरा दिखता है।